देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर पर ट्रायल रन नवंबर में होगा। इसमें अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे में फर्स्ट फेज पर चल रहे काम में तेजी आ गई है। गुजरात के सावली स्थित एलस्टॉम कंपनी के प्लांट से रैपिड रेल के 2 सेट आ चुके हैं। दोनों गाजियाबाद के दुहाई डिपो में खड़े हैं। ट्रैक बिछने के बाद सिग्नलिंग कार्य अंतिम दौर में है। अब फर्स्ट फेज में आने वाले स्टेशनों को चमकाने का काम शुरू हो चुका है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का दावा है कि फिर नवंबर में ट्रायल होगा। इसके बाद ट्रेन मार्च 2023 तक गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक दौड़ने लगेगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह गाजियाबाद जिले के गुलधर स्टेशन का है। कर्मचारी यहां पर एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स PSD लगा रहे हैं। ट्रैक और काम यहां पर पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफ शेड भी पड़ चुका है। ये तस्वीर भी गुलधर स्टेशन की है। दाएं हाथ पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लग चुके हैं और इन्हें सिग्नल से कनेक्ट किया। जब तक ये डोर्स बंद नहीं होंगे तब तक रैपिड रेल आगे नहीं बढ़ेगी। साहिबाबाद से दुहाई तक करीब 17 किलोमीटर ट्रैक पर पहले रैपिड रेल दौड़ेगी। इस ट्रैक पर पटरियां बिछाई जा चुकी हैं, सिग्नल लग चुके हैं, अन्य तकनीकी काम आखिरी चरण में जारी है। 82 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 2 डिपो बनाए हैं जिसमें एक दुहाई और दूसरा मोदीपुरम है। यहाँ रेल खड़ी करने के लिए 17 लाइनें बनाई गई हैं। इसी दुहाई डिपो में फिलहाल 2 ट्रेन सेट आकर खड़े किए हैं। गाजियाबाद का साहिबाबाद स्टेशन है, ये नवंबर में इसी स्टेशन से दुहाई डिपो तक रैपिड रेल का ट्रायल रन होगा। यहाँ अभी रूफ शेड डालने का काम जारी है। इसके बाद प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।